गुड आफ्टरनून डॉक्टर गुरु गुड आफ्टरनून प्लीज हैव अ सीट यस प्राची यस सर ठीक है साथ में कंफर्टेबल है यस सर व्हाट डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड टुडे इन इंडिया सर टुडे इज पंचायती राज डे पंचायती राज डे यस सर व्हाट डू यू मीन बाय ग्राम सभा एंड व्हाट कमिटी सर ग्राम सभा मीन्स ऑल द पर्सन्स इन द विलेजेस हु आर एलिजिबल टू गिव वोट दोज हु आर इंक्लूडेड इन द वोटर्स लिस्ट आर इंक्लूडेड इन ग्राम सभा अंडर आर्टिकल 243A ठीक है एंड व्हाट कमिटी सर व्हाट कमिटी सर आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट अच्छा आज के दिन को ही पंचायती राज दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं सर ऐसा इसलिए है क्योंकि 1973 में आज ही के दिन जो बिल है वो पास हुआ था इसीलिए 1973 सर आई थिंक 24 अप्रैल इसीलिए आज के दिन 1992 या 1993 सर आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस कौन सा पार्ट सर पार्ट 9 ठीक है और 9A पार्ट 9A यस सर अर्बन लोकल बॉडीज के लिए था अर्बन एंड रूरल बॉडीज के लिए रूरल बॉडीज के लिए पार्ट 9 एंड अर्बन के लिए पार्ट 9A डिसेंट्रलाइजेशन इज द एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस यस महात्मा गांधी ने कहा है यस सर थोड़ा सा इस बारे में और अपने राय बताएं सर डिसेंट्रलाइजेशन जो महात्मा गांधी ने कहा है वो अंडर आर्टिकल 14 के अंदर डीपीएसपी के अंदर इंक्लूडेड है उनका कहना ये था कि जो पावर्स है 40 के अंदर इंक्लूडेड है सर उनका कहना ये था कि जो पावर है उसको सेंटर से जो नीचे जो है स्टेट से जो नीचे है रीजनल उससे नीचे जो है रूरल उसमें डिवाइड कर दिया जाएगा ताकि पार्टिसिपेशन लोगों का बढ़ पाए इसीलिए उनका कहना है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो एक इम्पोर्टेंट पिलर है डेमोक्रेसी का और प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में आपको ये नजर आता है यस सर पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बड़ा है जैसे अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी जो पंचायती के इलेक्शन हुए थे तो सर उसमें लगभग 17,000 जो विमेन है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से थी और उन्होंने इलेक्शन में सर जीता भी था जो वोटिंग रेशियो है जो हम देखते हैं वो भी काफी ज्यादा बड़ा है पिछले कुछ दशकों में तो हम कह सकते हैं सर कि डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है और डेमोक्रेसी आज भारत में हमें देखने को मिलती है ठीक है रूरल और अर्बन स्ट्रक्चर जो है पंचायती राज सिस्टम का यस सर उसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर रूरल एंड अर्बन स्ट्रक्चर जो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इंट्रोड्यूस किया गया ठीक है कौन-कौन से इसमें मतलब वो है इसके स्ट्रक्चर में कौन-कौन शामिल है इसके बारे में मैं पूछना चाह रहा हूं यस सर सर स्ट्रक्चर सर जनरली इसमें तीन पार्ट में इसको डिवाइड करा गया है जिसमें सर जिला पंचायत तीन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है ब्लॉक लेवल पे है और एक रूरल लेवल पे है तीन में डिवाइड किया हुआ है इस स्ट्रक्चर को सर पॉपुलेशन के बेसिस और अगर अर्बन की बात करूं तो सर उसमें म्युनिसिपैलिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और सर थर्ड है जिला परिषद मतलब जो तीन लेयर थ्री टीयर हो सकते हैं ना सर अर्बन लोकल बॉडीज में सर तीन डिवीजन है कौन कौन से ये पूछना चाह रहा हूँ सर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम नगर पालिका और नगर परिषद नगर पालिका और नगर परिषद यही है उनके नाम सर नगर निगम नगर पालिका एंड थर्ड वन इज सर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है और रूरल स्ट्रक्चर में क्या क्या नाम है सर रूरल में जिला सॉरी सर रूरल में ग्राम पंचायत ठीक है फिर उसके ऊपर जिला पंचायत ग्राम के बाद सीधे जिला सॉरी जनपद पंचायत जनपद पंचायत जिला पंचायत ठीक है जिला पंचायत जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत ये तीनों बातें आपने की इसमें कौन कौन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है और कौन कौन पॉलिटिकल हेड होता है जिला पंचायत की पहले बात कर लेते हैं कौन है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है सर जिला पंचायत का सर जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ आईएएस ऑफिसर कुछ पद का नाम होगा कुछ सर सीईओ सीईओ होता है जनपद में
सर जनपद में सीए होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जनपद में कि जिला में? किसकी बात सर? जनपद में होता है सीए। और जिला में? सर जिला में शायद एक्स ऑफिशियो में, जो एक्स ऑफिशियो आईएएस होगा वही उसका हेड होगा। कुछ होगा ना पद का नाम? सॉरी सर, ठीक है। ग्राम पंचायत में कौन होता है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड? ग्राम पंचायत में एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल हेड होगा? यस सर। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड की बात कर रहा हूँ मैं। सर सेक्रेटरी? सेक्रेटरी होता है, ठीक है। अब आते हैं अर्बन में, ठीक है। नगर निगम की बात की आपने, यहाँ कौन होता है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड? सर नगर निगम में मैं पॉलिटिकली बात नहीं कर रहा हूँ, केवल आप क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में जाने वाली है, केवल एडमिनिस्ट्रेशन की ही यूज बात कर रहा हूँ। नगर निगम का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है? सर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का कमिश्नर। हाँ ठीक है। यस सर। नगर पालिका परिषद है ना? यस सर। आपने दोनों को मिला दिया था। नगर पालिका परिषद कौन होता है? नगर पालिका परिषद, सॉरी जो सेकंड ईयर है, फिर थर्ड ईयर की बात करेंगे सर, आई विल लुक इनटू दिस। नगर पंचायत का कौन होता है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड? नगर पंचायत एडमिनिस्ट्रेटिव हेड सर, सर आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, आई विल लुक इनटू दिस। ग्राम पंचायत की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, टैक्स की बात नहीं करता हूँ। ग्राम पंचायत, ठीक है, ये वर्ड तो सुना आपने, बताया भी अभी, कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं, क्या क्या पावर्स हैं उनके पास, कौन कौन से कार्य करते हैं, इस पे थोड़ी सी बात बताइए मुझे। यस सर। सर ग्राम पंचायत का जनरली जो मेजर वर्क है उसमें से हेल्थ इंक्लूडेड है, हेल्थ फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना, देन सर एजुकेशन भी उसमें इंक्लूडेड है, देन एंश्योर करना कि प्रॉपर वाटर सप्लाई हो रहा है या नहीं, सैनिटेशन, क्लीनलीनेस को, सर रोड कंस्ट्रक्शन अगर है तो उसको भी देखना, कहीं पे सर अगर पानी की टंकी को बनवाना है तो ये सारी चीजें इंश्योर करना सर उसका वर्क होता है। और किस डिपार्टमेंट, किस मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करते हैं? सर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत फंड को ही से आती है? यस सर। उसके अलावा और कहीं से भी फंड आ सकती है? सर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास के लिए भारत में अभी तक डिफरेंट फाइव ईयर प्लान में कुछ बहुत सारी योजनाएं चलाई गई है। yes, उसमें कुछ योजनाओं के बारे में अगर आप बता पाए, फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में, ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट फाइव ईयर प्लान का टेन्योर क्या था? सर इट इज सर 1951 टू 56। ओके 1951 टू 56, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक इसकी रेंज। इट इज करेक्ट कि फर्स्ट फाइव ईयर प्लान कहां से 1951 से 1956 था, ठीक है। वहां पे भारत का आज तक का इम्पैक्ट, ठीक है, ग्रामीण विकास को लेके सबसे बड़ा कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था, क्या नाम था? सर वाटर से रिलेटेड था क्या? याद बताएंगे ना मुझे? यस सर। सर सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। ठीक है। यस सर। अभी की बात कर लेते हैं, करंट की बात कर लेते हैं। करंट में ग्रामीण विकास को लेकर कौन सी बड़ी योजनाएं चलाई जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा? सर उज्ज्वला योजना विमेन के लिए चलाई जा रही है, गांव की जो विमेन है वो एलपीजी कनेक्शन मांग सकते हैं। और सर इसके अलावा सर जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है ग्रामीण विकास के, जो फार्मर्स हैं उनको इरिगेशन सप्लाई के लिए सर, उसके अलावा प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, स्वनिधि योजना, यूनियन बजट 2023-24 में, ठीक है, महिलाओं से रिलेटेड जो प्रमुख योजना है एक दो जो आपने पढ़ा हो, ठीक है, आपको लगा हो कि हाँ ये योजना बहुत अच्छी है, ऐसी जो योजनाओं के बारे में बता पाएंगे? यस सर। सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। जेंडर बेस्ड बजट क्या होता है? जेंडर बेस्ड बजट, सॉरी सर, इट इज अ टाइप ऑफ बजट। यस सर, इट्स अ टाइप ऑफ बजट सर, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। चलो मेरा लास्ट प्रश्न आपसे ये है, काफी अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड है आपका, ठीक है, पीसीएम से आपने किया, फिर फॉरेंसिक साइंस से आपने ग्रेजुएशन किया और हिस्ट्री में आपने एमए किया है, ठीक है। अपनी लाइफ में, आज तक की लाइफ में आप किन महिलाओं से इंस्पायर्ड हैं? सर देयर इज वन वुमन नेम्ड डॉक्टर वंदना विनायक, शी इज करेंटली प्रोफेसर इन डॉक्टर हरि सिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर, एंड शी हैड बीन आल्सो फॉरेंसिक साइंटिस्ट इन हरियाणा लेबोरेटरी। She has solved about more than 4,000 cases and 5 cases of national importance, including Nirbhaya case. Okay. And sir, her major work is on the research on diatoms. And she had also received award, Noel Dear Gold Medal Award by the former APJ Abdul Kalam, Dr. APJ Abdul Kalam. She had also won Young Scientist Award and also many awards related to her research field. I'm very inspired by her. Because of all these achievements,
No, sir, because I have also done my graduation in criminology and forensic science, so I can relate with her. That is why I admire her. So, are you reading newspaper on the daily basis? Yes, sir. Oh, today's paper? Today's paper? Anything else? आज एक अनाउंसमेंट हुआ था, उसमें ये बताया था कि आंध्र प्रदेश में मुस्लिम्स कोटे को रिड्यूस किया जाएगा और कुछ रिड्यूस कोटा दिया जाएगा। तो पहले से कुछ ऑलरेडी कोटा रखा हुआ है इन लोगों के पास में, मुस्लिम्स के पास में, तो वो जो कोटा है उसका क्या यूज है? या फिर जो नई गवर्नमेंट है वो बोल रही है कि जब वो गवर्नमेंट बनाती है उस जगह पर तो वो उस कोटे को रिड्यूस कर देगी। डू यू हैव एनी नॉलेज अबाउट इट? यस सर, आई हैव रीड रिसेंटली ऑनरेबल अमित शाह ही हैड। यस यस सर, I have read this. Yes, that's why I'm just asking to you. Yes, sir. Tell me something about it. कुछ क्या कितना परसेंट कोटा है और वो कोटे का यूज क्या है मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आंध्र प्रदेश? सर, बिकॉज पॉपुलेशन ऑफ आंध्र, मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो आंध्र प्रदेश की है वो उसमें मुस्लिम्स है, इसलिए कोटा दिया गया है। कितना सर एग्जैक्टली उसका नंबर अमाउंट? कब से ये कोटा चल रहा है? सॉरी सर, उसके बारे में जानकारी नहीं। सर उनका रिप्रेजेंटेशन उनको भी मिल सके, क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, इसलिए उनको एक कोटा दिया गया है। यस सर। तो ये कोटे को अभी रिसेंटली रिड्यूस करने की बात क्यों चल रही है, जब आप खुद बोल रहे हो आप तो अगर उनके पास में वो माइनॉरिटीज में है और उनकी पॉपुलेशन वहां पर है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोटा है, तो फिर क्यों ऐसा किया जा रहा है कि नई गवर्नमेंट बनकर उस कोटे को रिड्यूस कर देगी? वो तो उनके लिए इनजस्टिस है ना, तो आपके अकॉर्डिंग ये जस्टिस है? सर मुझे नंबर का अंदाजा नहीं हो सकता। ठीक है, नंबर की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम 10, 20, 15, 20 जो भी हो, सिंपल अगर बात कर रहे हैं उस कोटे को रिड्यूस करने की बात या बिल्कुल ही खत्म करने की अगर बात चल रही है तो क्या ये उस माइनॉरिटी सेक्शन के लिए जस्टिस है जो एक लंबे समय से इसको अवेल कर रहा है? सर मुझे लगता है गवर्नमेंट कुछ भी ऐसा डिसीजन नहीं लेगी जिससे इनजस्टिस क्रिएट हो। गवर्नमेंट अगर कोटे को रिड्यूस कर रही है तो उसके बदले में सब्स्टिट्यूट में कुछ ना कुछ अच्छी पॉलिसी जरूर लेके आएगी, कुछ ना कुछ एक इंसेंटिव या फिर सब्सिडी कह सकते हैं वो जरूर लेके आएगी। और सर मुझे नहीं लगता कि कुछ भी इनजस्टिस जैसा काम इंडिया जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें होगा। तो आपको नहीं लगता इन फ्यूचर में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होगी आंध्र और तेलंगाना वाले रीजन में इसको लेकर? सर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी तो सर डेमोक्रेसी में हमने कई बार देखी है, तो अगर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी होगी तो सर जो पीपल है उसके सपोर्ट से या वापस से इलेक्शन करा के, बाय इलेक्शंस करा के सर वापस से गवर्नमेंट स्टेबल हो सकती है। अच्छा मुझे एक बात बताएं। यस सर। असम मदरसा इशू क्या है? असम में जो मदरसा के इशू चल रहा है और उसको बंद करके जो एजुकेशन को दोबारा से रिवाइव किया जा रहा है वो क्या है? आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कुछ समय पहले असम मदरसा इशू या एजुकेशन को लेकर जो और जो नए नए अभी पॉलिसियां चल रही हैं इसको लेकर असम गवर्नमेंट ने एक एक्ट भी बनाया है कि हम सारे मदरसा जो भी पॉलिटिकली सारे के सारे स्पॉन्सर है उन सबको हम लोग बंद करेंगे और उसकी जगह पे हम लोग एजुकेशन ले स्कूल खोलेंगे, तो उस पे कुछ? माफी चाहती हूँ सर, शायद ये इम्पोर्टेंट लाइन मिस हो गई मुझसे, मैं इसको पढ़ लूंगी। अच्छा अभी एट प्रेजेंट आपने देखा होगा एक नेशनल पार्टी, अभी नई नेशनल पार्टी बनी है, कौन सी है नेशनल पार्टी बताएंगे? अभी रिसेंटली नेशनल पार्टी का उसको दर्जा मिला है सर, आप पार्टी को मिला है आम आदमी। कितनी नेशनल पार्टी हो गई है अब एट प्रेजेंट? सर टोटल 6 6 हो गई है। नेशनल पार्टी बनने की कोई कंडीशंस होती हैं जो आम आदमी पार्टी ने फुलफिल की है तभी बनी होगी आई थिंक? यस सर, कंडीशन होती है सर, एक कंडीशन ये है कि 6% वोट शेयर होना चाहिए किसी भी पार्टी का एंड मोर देन 4 स्टेट इन द इलेक्शन ऑफ लोकसभा और विधानसभा। सेकंड कंडीशन इज कि सर रीजनल पार्टी का दर्जा मिला हो किसी भी पार्टी को इन 4 स्टेट और मोर देन 4 स्टेट। एंड सर इफ देयर इज थर्ड कंडीशन आल्सो सर 2% वोट शेयर होना चाहिए इन द इन लोकसभा सीट इन 3 or more than 3 सीट। यस सर। ओके, इनलैंड वाटरवेज के बारे में आप क्या सोचते हो? अभी रिसेंटली एक इनलैंड वाटरवे क्रूज भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया था, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इनलैंड वाटरवे, वेदर इट्स बेनिफिशियल और नॉट?
सर आई थिंक इनलैंड वाटरवेज रियली वेरी बेनिफिशियल बिकॉज सर जिस तरीके से रोड अभी रोड में देखें तो सर पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ गई है तो लैंड के ऊपर उतनी अवेलेबिलिटी नहीं है तो इनलैंड का जिस तरीके से यूज हो रहा है तो सर दैट इज बेनिफिशियल। और अभी कोलकाता में हुगली रिवर में अभी एक नीचे इनलैंड वाटरवे में एक ट्रेन भी स्टार्ट की गई है। अंडर वाटर मेट्रो की बात कर रहे हो? यस सर अभी मेट्रो भी स्टार्ट की गई। ओके अच्छा एक गंगा विलास क्रूज के बारे में आपने सुना होगा, सुना है क्या गंगा विलास क्रूज? सॉरी सर। ओके इनलैंड वाटरवेज की बात की तो अभी एट प्रेजेंट कितने नेशनल वाटरवेज हैं जो एक्टिव हैं? सर आई थिंक इट इज सिक्स नेशनल वाटरवेज। ओके सिक्स नेशनल वाटरवे। सबसे बड़ा नेशनल वाटरवे कौन सा है? सर आई थिंक नेशनल सॉरी वाटर हाईवे 1 फ्रॉम गंगा टू ब्रह्मपुत्र आई थिंक। गंगा टू ब्रह्मपुत्र सर आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। ओके गंगा रिवर पर है वो? यस सर। ओके इसी पे गंगा विलास क्रूज अभी रिसेंटली चली है। अच्छा ठीक है अगला आप राइट टू हेल्थ के बारे में आप क्या सोचते हो? अभी रिसेंटली एक स्टेट ने इस पर एक्ट भी बनाया है राइट टू हेल्थ। किस स्टेट ने बनाया राइट टू हेल्थ पर? सर राजस्थान ने भी हाल ही में राइट टू हेल्थ पे बनाया है। सर आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जिनका एक्सेस मेडिसिन हॉस्पिटल्स जो भी एक्सपेंसिव हॉस्पिटल्स है उन तक नहीं पहुंच पा रहा है उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज है। क्या है ये राइट टू हेल्थ सर? सर राइट टू हेल्थ मतलब कि कोई भी पर्सन हो उस पर्टिकुलर स्टेट में चाहे वो एक निचले स्तर पे हो चाहे वो एक ऊंचे स्तर पे हो किसी भी क्लास किसी भी कास्ट किसी से भी बिलोंग करता उन सबके पास अधिकार है कि अगर किसी भी तरीके के उसके पास इलनेस या एड इन एड होती है उसकी हेल्थ से रिलेटेड तो एक्सेस उसका हेल्थ के लिए सभी के पास रहेगा। दिस इज राइट। आपने खुद फ्रेम किया अभी क्वेश्चन सुन के? सर ये मैंने ये सर अपने जो मैं समझ पा रही हूँ आपने बताया नहीं जिसपे इतने स्ट्राइक किया डॉक्टर्स ने इस बात पे सुना होगा राइस समय स्ट्राइक भी हुए डॉक्टर्स ने डॉक्टर्स क्यों कर रहे थे डॉक्टर्स किया बिकॉज सर उन्होंने ये नहीं बताया बिल में कि इमरजेंसी क्या है मींस एनीवन कैन से कि हम इमरजेंसी में आए हैं। हां तो यू शुड मेंशन इमरजेंसी वर्ड। ओके अच्छा आपने लिखा कुकिंग आपका आई थिंक हॉबी है आपने यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा कुकिंग में बिना ऑयल के फूड जीरो ऑयल आजकल बहुत चला है व्हाट इज दिस जीरो ऑयल कुकिंग? सर जीरो ऑयल कुकिंग मतलब सर बिना ऑयल के जनरली कुक फिजिबल मतलब बिना ऑयल के फूड बनाया जा सकता है? आप कुकिंग करते हो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सर बिल्कुल बनाया जा सकता है और अब वो काफी न्यूट्रिशियस भी होगा अभी जैसे कि सर जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव भी लॉन्च किया है रूको नाम से सर रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल सर क्योंकि ऑयल को एक बार कुक करने के बाद दोबारा उसको कई सारे लोग क्योंकि अवेयर नहीं है यूज करते हैं और उससे एक्रोलीन नाम की गैस निकलती है जो कार्सिनोजेनिक होती है तो सर जो फसाई है उसका रीयूज्ड जो ऑयल है उसका यूज करके सर अभी हाल ही में बायोफ्यूल बना रहा है। ओके नहीं मेरा क्वेश्चन ये है कि हम ग्राउंड लेवल की बात करते हैं। ओके घर में आपकी कोई कुकिंग ठीक है गवर्नमेंट की स्कीम्स कर रही है बहुत लोग वर्क कर रहे हैं इसको क्या जीरो ऑयल क्या पॉसिबल है घर में? मैंने तो कहीं नहीं देखा। आप देखिए शॉप्स में जाइए फास्ट फूड खा जाइए तो ऑयली फूड खा रहे हैं आप देखिए कितने सारे उसके डिसएडवांटेजेस हैं। कैसे कोई जीरो ऑयल मतलब क्यों जीरो ऑयल नहीं फेवर करते लोग ऑयल क्यों फेवर करते क्या एडवांटेज ऑयल यूज करने से? ऑयल को यूज करने से एडवांटेज नहीं बट इट इज द टेस्ट दैट ऑयल इज गिविंग। अच्छा ऑयल टेस्ट देता है? यस सर ऑयल टेस्ट देता है यही कारण है कि जो आम जनता है जो लोग है उसको सर अवॉइड नहीं कर पा रहे और उसको डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं खाने में जितना ज्यादा ऑयल होता है उतना टेस्टी लगता है लोगों को। हालांकि सर एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद अगर उसको कंज्यूम करें तो वो भी एडिबल नहीं होता है। डिसएडवांटेज क्या है ऑयल के प्रोडक्ट अगर इतना सर कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बढ़ जाता है हार्ट डिसीज बढ़ जाती है सर ओबेसिटी फैट भी बढ़ जाता है ये सारे डिसएडवांटेजेस है। ओके ओके अभी रिसेंटली आपने सुना होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है। कैन यू टेल मी द रिसेंट जजमेंट रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है? यस सर मैं थोड़ा सा टच कर पा रही हूँ वहाँ पे सर रिगार्डिंग सर ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर इस बारे में उन्होंने वर्डिक्ट दिया है। क्या है वर्डिक्ट मतलब अपॉइंटमेंट्स के रिगार्डिंग आपने बोला कलेजियम के थ्रू अपॉइंटमेंट होना चाहिए इस तरह इट वुड बी अ कमिटी यू कैन से। यस सर कमिटी के थ्रू अपॉइंटमेंट कौन सी कमिटी होगी जो अपॉइंट करेगी? सॉरी सर अच्छा किसके अपॉइंटमेंट के लिए क्या बोला आपने?
इलेक्शन कमीशन किसके अपॉइंटमेंट के लिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर, किसकी बात कर रहे हो आप? सर इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट, मतलब चीफ एज वेल एज इलेक्शन कमिश्नर दोनों की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे? ओके, तो कमिटी आपको पता है कि कौन कमिटी रिकमेंड? अच्छा पहले क्या होता था, चलो इसको हटा दो, जजमेंट डेट्स रिमूव द जजमेंट, उससे पहले क्या होता था? सर उससे पहले जनरली प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था इलेक्शन कमिश्नर को। ओके सर, ओके। अच्छा अभी रिसेंटली बहुत से इंडियन ओरिजिन पर्सनालिटीज वर्ल्ड में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में, चाहे वो यूट्यूब हो, किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हो रहे हैं आप। कैन यू गिव मी सर्टेन एग्जांपल्स? इंडियन ओरिजिन पर्सन बहुत न्यूज में इस समय, सर प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक। ओके सर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, बट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल हर नेम। ओके ये सर, सर राइट नाउ आई एम एबल टू रिकॉल ओनली टू। ओके, आप यूट्यूब चलाते हो? यस सर। हु इज द सीईओ ऑफ यूट्यूब राइट नाउ? सीईओ ऑफ यूट्यूब, सर आई हैव रेड बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। ओके ओके, आईएमएफ सुना? आईएमएफ यस सर, इंडियन वर्ल्ड बैंक। यस सर, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का भी हु इज द हेड? सर एंटोनियो, सर सर आई हैव रेड बट WTO का नहीं, we are asking about World Bank. Yes sir, I have read but I am not sure about this right now. Okay.